नमस्कार, ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। और देखिए, पूरे देश में गुस्सा है। पुलवामा हमला जो हुआ, जिस तरह से हमारे 40 जवानों की शहादत हुई, पूरे देश में गुस्सा है। पाकिस्तान डर रहा है, और डर का आलम यह है कि पाकिस्तान शांति के कबूतर उड़ा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर भारतीय सेना ने कुछ किया, समझिए इस चीज को, कितने खौफ में है, किस कदर डरा हुआ है पाकिस्तान, कि अगर भारतीय सेना ने कुछ किया तो पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। शुरुआत सबसे पहले एमएस बिट्टा साहब, मैं आप ही से कर लेता हूं। अभी तो सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ खुले हाथ किए हैं, हाथ खुले छोड़े हैं सिर्फ सेना के। सेना ने कुछ छोड़ा नहीं है अभी, अभी से पाकिस्तान डर गया। सुबह से हम देख रहे हैं बहुत बड़े एक्शन और जोरदार एक्शन कल से हुए। मेरा एक सबसे बड़ा सवाल है ना किसी सरकार पे है और ना किसी मंत्री के ऊपर है, इतना बड़ा हादसा हुआ क्यों, इसको राजनीतिक रंग ना दिया जाए। मुझे एक चीज बताइए कि जब बर्फें वहां पे पड़ी हुई थी और सब पूरी सड़कें ढकी हुई थी, तो इतना बड़ा काफला हमने क्यों भेजा? डगोटा प्लेन आता है जिसमें गाड़ियां भी जा जाती हैं और 5-6 हजार जवान भी जाके उतर जाते हैं। जब बराक बानी का वहां पे इनकाउंटर हुआ तो एकदम हमारी फोर्सेस गई, सीआरपी गई और वहां पे कंट्रोल किया। कल हमारे मेजर भी शहीद हुए, डीआईजी के ऊपर भी गोली लगी। कितनी बड़ी अफरा तफरी पूरे देश में फैल गई और पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने एक जुटका का पूरा सबूत दिया। ये चीजें जो आज हो रही हैं, ये अगर 7-8 महीने पहले होती तो आज उनकी ये हिम्मत ना होती। वक्त बड़ा कम है, या तो इलेक्शन को डिले किया जाए। कल को कौन सी विचारधारा होगी? आपने देखा होगा फारूक अब्दुल्ला और केजरीवाल जैसे लोग किस तरीके से सब इकट्ठे हुए। लालू प्रसाद यादव का बेटा, जिनको सुरक्षा व्यवस्था की, फौज की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की एबीसी नहीं आती, क्या इनके लोगों के हाथों में हमारा देश होगा? ये बहुत बड़े प्रश्न और बहुत बड़े सवाल हैं। जो स्टेप उठाया है, ये स्टेप बिल्कुल ठीक है, पर ये स्टेप कितनी देर तक, ये भी तो सोचो। आप टेम्परेरी बात ना करो, अभी ये कर दिया, आगे लंबे वर्ष तक यही अगर स्टेप रहा तभी हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो हमारे बहनों के सुहाग उजड़ते रहेंगे, बच्चे यतीम होते रहेंगे और नवजोत सिद्धू जैसे लोग, हिंदुस्तान का हम नमक खाते हैं, इस मातृभूमि के अंदर हमने जन्म लिया है और इस मातृभूमि के साथ हम धोखा करते हैं, कितना बड़ा सवाल है। और पंजाब की सरकार, उनकी जेट प्लस सुरक्षा, एक सुरक्षा हटाई जाती है उन आतंकवादियों की जो बेगुनाहों को पालते हैं, उनका कत्लेआम कराते हैं, उनको फंड देते हैं, और दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू, पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ, हमारे जवानों का कातिल, और उनके आईएसआई के लोगों को जब भी डालते हैं और जब वापस आते हैं तो जेट प्लस सुरक्षा के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा जाता है। ये छोटे पॉइंट नहीं है, ये टेम्परेरी बात ना, हम आएंगे बोल के चले जाएंगे, मुद्दों पे आइए। किन अधिकारियों ने नवजोत सिंह सिद्धू की सुरक्षा को रिकमेंड किया कि इसको जेट प्लस दो? वाई वहां खालिस्तानियों के साथ मीटिंग, वहां खालिस्तानियों के साथ फोटो, वहां आईएसआई के चीफ के साथ जप्पी, वहां इमरान खान उनका दोस्त, और जेट प्लस सुरक्षा? वाई ये हिंदुस्तान के लोगों के साथ, देश के साथ मजाक नहीं है? ये छोटे छोटे मुद्दों पे हमें आना है। मतलब आप बिट्टा साहब, आप ये कह रहे हैं कि हम भारी दुश्मन से निपट लेंगे, पहले घर के जो गद्दार हैं, जो आस्तीन के सांप है ना। पुराना बहुत बड़ा कवि प्रदीप जी का गाना लिखा हुआ था भगत सिंह जी के टाइम पे, महात्मा, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों। ये हिम्मत कैसे होती है इतनी, देश में रहकर देश को गाली देना, पाकिस्तान की भाषा बोलना, इनकी हिम्मत कैसे होती है इन लोगों की? हिम्मत हम खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसकी हिम्मत बढ़ाता है। जब हिंदुस्तान की धरती पे ओबीसी एबीसी, कोई हैदराबाद का नाम भी नहीं लेना उसका, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, और 20-20 दिन एक एक महीना उसकी डिबेट चलती रहती है, बड़े बड़े चैनलों में बिठा करके उनको दिखाया जाता है, पर जब जवान शहीद हो जाते हैं 15 दिन के बाद ना तो चैनल जाते हैं, ना पब्लिक जाती है, ना हम पॉलिटिशियन उनके घर में जाते पूछने के लिए।
कल जब शहादत आती है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा, ये सिर्फ 15 दिन तक जनाब नाम रहता, उसके बाद कोई नहीं पूछता। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी तो अपनी जिम्मेदारी उठाए, मैं आपको नहीं कह रहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी उठाए कि ऐसे लोग जो कहते हैं वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, बार बार क्यों दिखाया जाता है, हिम्मत कैसे, हिम्मत इनकी इन्हीं चीजों से बढ़ती है, वोट बैंक के कारण बढ़ती है। यह हिंदुस्तान पब्लिसिटी के लिए देश विरोध, नहीं मतलब पब्लिसिटी के लिए देश विरोध, बिल्कुल। आप देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू कल फिर कहता है मैं अपने बयान पे कायम हूँ। एक बात याद रखिए, यहाँ जाके कह रहा हूँ, जब जब हिंदुस्तान के अंदर, पहली बात तो ऐसी घटना ना हो, जब जब हिंदुस्तान के अंदर ऐसी घटना होगी, सबसे पहले हिंदुस्तान की आम जनता का निशाना नवजोत सिंह सिद्धू होगा। इमरान खान ने कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव लड़े, मैं कभी किसी के बारे में नहीं बोला तू पाकिस्तान चले जा, मैंने नहीं बोला, और कहती होंगी पॉलिटिकल पार्टी, मैं नहीं कहता, पर नवजोत सिंह सिद्धू को जरूर आज के दिन मैं कहूंगा भैया तेरी जगह वहां है तो तू वहां चले। आज 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 इमरान खान बिल से निकले हैं। नूरबानो ने क्या कहा, जो हमारी कांग्रेस की एमपी, उसने क्या क्या कहा कि ये तो फौज की गलतियों, आर्मी की गलतियों से हुआ है, वोट बैंक की खातर हम कुछ भी बोल दें, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम हिंदुस्तान के हैं, इसका नमक खाते हैं, हम वोट बैंक की खातर, हम कुर्सी की खातर, हम जीतने की इलेक्शन की खातर माहौल। मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, मैं एक बार फिर से अमित आपके, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, तो कोई डिबेट थोड़ी सी पॉलिटिकल होगी। अमित मालविया, देश विरोध वोट दिलाता है, मतलब ये तो हैरानगी वाली चीज है कि कोई देश के खिलाफ बोलेगा वोट मिलेगा, बिल्कुल ऐसे, मुझे बताइए। नहीं, मेरी बात सुन, अब ओबीसी एबीसी नाम लेना भी माई शर्म आती, उसके ऊपर क्या कहूँ, जो कहते बंदे मातरम नहीं, वोट बैंक, वोट कैसा वोट बैंक, मैं एक सरदार हूँ, मैं सरदार ऊपर, पहले मैं क्या कहता हूँ, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात बंदे मातरम, भारत माँ में पैदा हुआ, और जब बम्बो गोलियों से जाऊंगा भगवान से प्रार्थना करता हूँ दोबारा मेरी बम्बो गोलियों से मौत आए, आखिरी वक्त जितना देना बंदे मातरम करता तेरे चरणों में चले जाऊं। कौन सा हिंदू, कौन सा मुसलमान, कौन सा सिख, कौन सा ईसाई, ये लोग, इनको पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग, पर ज्ञान है ही नहीं आज, ये तो कल इस धरती पे हमने मिट्टी में समाना है, ये सबसे बड़ी समस्या इनके मनों में यही है। नवजोत सिंह सिद्धू में मैं तो पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनूंगा, कोई और है, मैं तो हिंदुस्तान का, कौन बनाएगा उनको, मुझे एक बात बताइए। अमित अमित एक मिनट, अमित एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, मैं इस चीज, नहीं नहीं एक मिनट एक मिनट, अवनी जी देखिए, हम लोग यहाँ पर है ना, मैं एक चीज कहता हूँ, एक मिनट अवनी जी से मेरी बात सुनिए आप, मैं एक चीज कहता हूँ, जो सेना को गाली देगा, जो पाक परस राजनीति करेगा, उसको जनता वोट कैसे देगी, अभी नहीं तो कभी नहीं ना बिट्टा साहब, या तो पाकिस्तान चार टुकड़े करवाना चाहता है, 71 में दो टुकड़े हो गए और अभी भी पाकिस्तान गिदड़ भपकी दे रहा है। एक बात तो मैं स्पष्ट कहूँ, मेरा कोई किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, ना मैं नरेंद्र मोदी जी को मिला हूँ, ना कभी मिलने की इच्छा है। एक बात तो देखो बिल्कुल स्पष्ट है, हमारे विचारधारा मतभेद कई चीजों पर हो सकते हैं, छिकवे के लिए हो सकते हैं, आतंकवाद के खिलाफ जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, उनकी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, उनके बराबर का मुझे आतंकवाद के खिलाफ ऐसे जवाब देने वाला, क्रोधित गुस्से वाला मैंने नहीं देखा है। एक मेरी बात सुनिए, वो यहाँ आके हमला कर जाते हैं, क्या ऐसे माहौल के अंदर हम 200 ऐसे लोग तैयार करके, मैं सच्ची बताऊं, मेरा जितना क्रोध गुस्सा आता है, मेरी अगर बम्बों से टांगे खराब ना होती और मेरे सिर पे पगड़ी ना होती और मूछे मेरी खड़ी ना होती, भगवान की कसम मरना तो मैंने है बम्बो गोलियों से, 14 बार बचा हूँ, मैं जरूर ISI का कैंप उड़ा के आता। हम वहाँ लोग भेजे, 150 लोग भेजे, इतना कुछ कर रहे हैं अपने जवान रोज इधर जाके, जो हाफिज वगैरह इनको ठोक के वहीं आ जाए, कितनी सुरक्षा इनके पास होगी, 2-4 अपने चले जाएंगे, 50-100 उनके मार देंगे वहां पे जाकर, ठोक के खत्म करें, जवाब तो ऐसे देना पड़ेगा। ये गोलियां, ये बम, ये रॉकेट लॉन्चर, ये प्लेन, ये बड़े खरीदे गए, क्या इंडिया गेट में दिखाने के लिए लाते हैं हर साल हम ये काम करें ना, 150 मेरे, मैं तैयार हूँ, मुझे ले चलिए अगर मैं जाने के लिए। और आपको बता दे एक चीज, अभी अभी जो मुझे अपडेट मिल रहा है, जो इमरान खान की तरफ से जो गीदड़ भपकी दी गई है, जो कहा गया इमरान खान की तरफ से कि अगर भारत ने कुछ किया तो पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, रिटेलिएट करेगा, इस पर भारत सरकार का जो बयान आया है उसमें कहा गया कि 48 का भारत नहीं 2019 का भारत है, ये जवाब दिया गया कि भारत 2019 का है, ये उसको पता नहीं है आज का भारत किसका भारत है। आज का भारत वो नहीं है जो चुप करके बैठेगा, वो उनके सिर काट के लाए जाएंगे और अगले दिन उनको मुशर्रफ को कहेंगे तुम आ जा, और तुम फलाने को कहेंगे नवाज शरीफ तुम आ जा, आज वो भारत नहीं है, आज का भारत ये है। पर आप अभी कह रहे थे इमरान खान के बारे में, इमरान खान भाग गया, इमरान खान ने कबूतर छोड़ दिया, अब देख लिया इन बदमाशों का
बिल्कुल विश्वास करना छोड़े जब इन पे विश्वास करते हैं। वो शांति का ड्रामा है, वो तो कहते हैं कि भाई मैं तो शांति चाहता हूँ, वो तो शांति दूत है ना इमरान, मेरा यार जीवे इमरान। नरेंद्र मोदी जी गए पाकिस्तान, हम भी गुस्से में थे, पर उन्होंने दुनिया को ये बताया, मेरे विचार अलग है, लोगों के विचार अलग है, दुनिया को ये बताया कि हम शांति चाहते हैं, हम तुम्हारे देश में भी शांति चाहते हैं, अपने देश में भी शांति चाहते हैं। क्या हुआ, पाकिस्तान और दीनानगर की घटना हुई, उसके बाद गोली का जवाब, अभी तक गोली चल रहा है, उसके बाद कोई कंप्रोमाइज तो नहीं हुआ। मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मेरे विचार बिल्कुल